दोस्तों आज हम बात करेंगे सैमटेक्स फैशन लिमिटेड शेयर के ऊपर। दोस्तों गारमेंट सेक्टर से यह कंपनी बिलोंग करता है और ये कंपनी काफ़ी सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैकेट, लेडीज ट्राउजर, मैन ट्राउजर, शॉर्ट्स एंड स्कर्ट का ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी रेडीमेड गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और इसका ट्रेडिंग के बिजनेस में जुड़ा हुआ है। दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और दोस्तों कंपनी का जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा और ये कंपनी इंडिया एक्सपोर्ट हाउस जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है तो वहां पर आपको बहुत ही बड़ा नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को देख सकते हो। यहाँ पर आपको कंपनी का सेल्स जो है कई क्वार्टर से यहाँ पर आपको जीरो सेल्स देखने को मिलेगा। दोस्तों ये कंपनी के बारे में आगे सब पैरामीटर को देखेंगे और उसके साथ आपको बताएंगे कि स्टॉक के अंदर क्या अभी के लिए इन्वेस्टमेंट करें या फिर अवॉइड करें। दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और अगर ये चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि दोस्तों हमारे चैनल पर जब भी नए वीडियो बने तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का सेल्स जो है जीरो देखने को मिलेगा और उसके सामने यहाँ पर कंपनी अभी लॉस में चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आगे दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको इनका जो सेल्स है पिछले दो साल से यहाँ पर आपको जीरो देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों पहले कंपनी बहुत ही अच्छा सेल्स कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा बड़ा अमाउंट में सेल्स होता हुआ आपको देखने को मिलेगा और उसके सामने कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों पिछले चार पाँच सालों से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस साल माइनस में जा चुका है, अभी लॉस कर रहा है कंपनी। और ऐसे भी कंपनी का जो सेल्स है पिछले दो साल से यहाँ पर आपको जीरो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस पर बहुत ही ख़राब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों वहीं अगर कंपनी के मार्केट वैल्यू को देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मार्केट वैल्यू बहुत ही छोटा सा देखने को मिलेगा। और वहीं 52 वीक के अंदर आप देख सकते हो स्टॉक ने बहुत ही बड़ा रैली दिखा चुका है। 52 के अंदर 74 की पैसे से 10 रुपीज तक के तेजी लगा चुका था और अभी फिलहाल दोस्तों स्टॉक का प्राइस 4.34 रुपये देखने को मिलता है और वहीं स्टॉक का बुक वैल्यू यहां पर माइनस में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग इसमें अच्छा है और कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ी रकम पर कर्जा है, यहां पर आप देख सकते हो लगभग 600 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग मनी है और यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो भी 24% में प्लेजिंग में पड़ा हुआ है और आगे यहाँ पर कंपनी का ईपीएस भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल जो है वो बहुत ही ख़राब होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंपनी का जो बोरिंग मनी है वो तो बड़ी रकम पर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिजर्व मनी जो है वो भी माइनस में जा चुका है। तो दोस्तों कंपनी बैलेंस शीट पर भी आपको बहुत ही ख़राब देखेगा। और आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक का होल्डिंग लगभग सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर के पास जो भी होल्डिंग है अच्छा होल्डिंग देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों प्रमोटर का जो प्लेस परसेंटेज है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी हो जाता है। और ऐसे भी दोस्तों पैरामीटर वाइज कंपनी का फंडामेंटल आपको बहुत ही ख़राब देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और ऐसे भी दोस्तों कंपनी के अगर रिटर्न को देखोगे तो फिलहाल दोस्तों मैक्स टू मैक्स में आप देख सकते हो कंपनी में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइली देखने को मिलता है। यहाँ पर आप शेयर की प्राइस को देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े स्विंग देखने को मिला है। तो ऐसे भी दोस्तों इसी बीच जो स्विंग बना रहा है तो वो भी लॉन्ग टर्म में बेयरिश मूवमेंट में आ चुका है। और ऐसे भी दोस्तों स्टॉक की अगर 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर यहाँ पर स्टॉक नेगेटिव में देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों इनके चार्ट पैटर्न को कंसिडर कर सकते हो, ये जो तेज़ी हुआ था फिर गिरावट के बाद दोस्तों अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें तेज़ी हो रहा है। और ऐसे दोस्तों आगे स्टॉक की पिछले 1 साल की देखोगे तो 1 साल पर आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक इसी बीच जो गिरावट हुआ था उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट हो रहा है जो कि बुलिश मोमेंट में स्टॉक आ रहा है। और वहीं दोस्तों पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, 23% की स्टॉक रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो टेक्निकली अगर देखें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक को सपोर्ट ले चुका है। अगर दोस्तों इस स्टॉक के अंदर आपको बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, दोस्तों ये स्टॉक आपको 5 की प्राइस तक जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे में दोस्तों ये स्टॉक के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और आगे दोस्तों एक कंपनी का अगर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा देखने को मिलता है, हेल्दी क्वार्टर अगर कंपनी पेश करता है, अच्छा प्रॉफिट करने लगता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों अगर ये कंपनी को कोई बड़ा कंपनी एक्वायर कर लिया तो फिर दोस्तों एक कंपनी का जो स्टेटस है वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है और कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी नज़रिए से इस स्टॉक के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बाकी फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही ख़राब है, ऐसे स्टॉक में
लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्की पे जा सकता है। तो दोस्तों जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए है। और ऐसे स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने ओर से अच्छे से एनालिसिस करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।